नक्सलवाद देश के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात आज आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही। पीएम ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्यों में खाली पड़े पुलिस के 3,94,000 पद भरे जाएं। इसके अलावा पीएम ने समुद्री सीमाओं को सुरक्षा को भी बड़ी चुनौती बताई। पीएम ने नकली नोटों के बढ़ते कारोबार को भी बड़ा खतरा बताया। Strikes in Mumbai in November 2008 had made us painfully aware of the need to strengthen our coastal security. The National Committee on Coastal Security, under the chairmanship of the Cabinet Secretary, has been constituted to adopt an integrated approach to this very vital issue. The committee has taken action to increase the level of patrolling and surveillance along the Indian coastline and bring about greater coordination between the various agencies that can contribute to security along our coast. तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नक्सलवाद को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हैं और उधर राज्यों के मुख्यमंत्री आंतरिक सुरक्षा को लेकर की जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर जिससे पूरे देश को फर्क पड़ता है तो ये मुख्यमंत्री गहरी नींद में सो रहे हैं। तो कितना वीएस सच्चिदानंदम जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सो रहे थे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोले लेकिन ये पूरी जो आज बैठक थी ये आंतरिक सुरक्षा के ऊपर थी जो कि इस वक्त देश के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है और इस बैठक के दौरान केरल के मुख्यमंत्री सो रहे थे। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है केरला के मुख्यमंत्री की जो जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे